Hello everyone. Today we are going to start lesson number 18, subtraction tables. जिसे हम हिंदी में घटाव तालिका भी बोलते हैं. आपके चैप्टर में 1 to 10 subtraction table दी हुई है. So हम इस चैप्टर में सीखेंगे कि हम subtraction table कैसे write and read करते हैं. So हम start करते हैं subtraction table of 1. 1 minus 1 equal to 0. हमने 1 में से 1 को minus किया तो हमारा आंसर 0 है. And जहाँ पर भी टेबल में 0 आ जाएगा, it means that आपकी वो टेबल वहाँ कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है? So हमारी टेबल ऑफ 1 कंप्लीट हो चुकी है. अब हम देखेंगे सब्सट्रैक्शन टेबल ऑफ 2. 2 minus 1 equal to 1. 2 में से 1 को माइनस किया तो हमारा आंसर 1 आया. 2 minus 2 equal to 0. 2 में से 2 को माइनस किया तो हमारा आंसर 0 है. So हमारी सब्सट्रैक्शन टेबल ऑफ 2 भी कंप्लीट हो गई. अब हम देखेंगे सब्सट्रैक्शन टेबल ऑफ 3. 3 minus 1 equal to 2. 3 में से 1 को माइनस किया तो हमारा आंसर 2 आया. 3 minus 2 equal to 1. 3 में से 2 को माइनस किया तो हमारा आंसर 1 आया. And 3 minus 3 equal to 0. और अगर 3 में से 3 को माइनस किया तो हमारा आंसर 0 आया. So हमारी subtraction table of 3 भी complete हो गई है. Okay students, ऐसे ही आप 10 तक subtraction table write कर सकते हैं. अब हम इस lesson की exercise देखेंगे. Question number 1 है subtract the following. इस question में आपको जो भी subtraction और single digit number दिए हुए हैं उन्हें solve करना है और उनका answer लिखना है. First है 4 minus 2. तो 4 minus 2 होता है 2. Second है 3 minus 1. So 3 minus 1 equal to होता है 2. तो हमने यहाँ 2 लिख दिया. Third है 5 minus 3. So 5 minus 3 equal to भी 2 होता है. तो हमने यहाँ 2 लिख दिया. Fourth है 6 minus 4. So 6 minus 4 equal to भी 2 होता है. तो हमने यहाँ 2 लिख दिया. And fifth है 7 minus 3. So 7 minus 3 equal to होता है 4. तो हमने यहाँ 4 लिख दिया. And sixth है 8 minus 2. So 8 minus 2 equal to होता है 6. तो हमने यहाँ 6 लिख दिया. Okay students, बाकी 18 तक जो question दिए हैं वो आपको ऐसे ही solve करना है. Okay students.